हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तृप्तिस ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हमने कुछ दिन पहले ये रेस्क्यू किया था एक काफ और उसकी मम्मी का, और वो दोनों बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे गाइस। उनका मैगट्स हो गया था और बहुत बड़ा उंड हो गया था दोनों का। तो उसके बाद ये जो वीडियो है, ये पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन मैंने लास्ट वीडियो में डाला था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वीडियो जो है ये पार्ट टू है, और हमने कैसे उसकी मम्मी को रेस्क्यू किया, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया, और हमारे साथ जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है इस्पात मार्केट के, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े और हमें मदद किए। स्पेशल थैंक्स टू दीप भाई और उनके टीम को, जो कि हमें मदद किए उसको रेस्क्यू करने में और ट्रीटमेंट करने में। तो गाइज, उसको हमने बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया और ट्रीटमेंट किया। तो चलिए देखते हैं सारा प्रोसीजर। थोड़ा सा ये ब्रेड उसको हमने खिला दिया था, और गाइज बहुत ही पेनफुल था उसका सिचुएशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा उंड था और बहुत सारे मैगट्स हो गए थे उसको। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट बोला जाता है ना, जब बहुत मतलब यूनिटी स्ट्रेंथ, जब बहुत लोग होते हैं तो हम लोग काम को इजीली कर पाते हैं। तो सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, हमारे जो लवल सर्वल फाउंडेशन के जो टीम मेंबर्स थे, प्रशांत और तृप्ति और दीप भाई और उनके टीम, और कुछ वेंडर्स थे मार्केट कॉम्प्लेक्स में, शॉपकीपर्स थे, सब ने मदद किया गाइज। सबको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे ये प्रोसेस, कैसे हमने ट्रीटमेंट किया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा गाइज। सो गाइज, अगर आपको हमारे साथ मिल के काम करना है, बेजुबानों का मदद करना है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एनजीओ का नाम है द लवल सर्वल फाउंडेशन, और हमारा एक फेसबुक पेज भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। तो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम, ये सब में हमें आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस नोबल काम में, और दूसरों की मदद कर सकते हैं। और कैसे इसको हमने, जो रस्सी है, जो रोप है, उससे कैसे उसको हमने बांधा और कैसे उसका ट्रीटमेंट किया, ये सारा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। और आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो गाइज, चलिए देखते हैं वीडियो को। मम्मी जो है वो मिल गई है, और इसका भी बहुत ज़्यादा घाव हो गया है, और इसका भी ट्रीटमेंट हुआ है, और अभी गाड़ियाँ इसको लेके जाएंगे रेस्क्यू के, तो दोनों को गौशाला लिया जाएगा गाइस, देख सकते हैं आप लोग। और काफ़ी सारे लोग हैं, हेल्प कर रहे हैं आप लोग, मैं दिखाती हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अभी फाइनली दूध पी रहा है, और अभी हम लोग लेके जाएंगे गौशाला। सो गाइस, सबने मिलके उसका रेस्क्यू कर ही लिया, और बहुत ही दर्दनाक होता है जब हम ऐसे कुछ सिचुएशन हमें फेस करना पड़ता है गाइस, बहुत ही पेनफुल रहता है, क्योंकि इंसान का केयर तो सबको ही करता है गाइस, लेकिन इन बेजुबानों को कोई भी नहीं पूछता है। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं, कुछ काइंड हार्टेड लोग होते हैं जो आगे आते हैं और इनकी मदद करते हैं। और मुझे और मेरे फैमिली को एनिमल रेस्क्यू एंड ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग अपना 100% देने के लिए कोशिश करते हैं इन बेजुबानों को मदद करने के लिए।
आप भी आगे आए और इन बेजुबानों को मदद करें, क्योंकि ईश्वर का वास इनमें भी होता है। और सबसे प्रेम करें, सबकी सेवा करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी को हर्ट ना करें। ऑलवेज हेल्प एवर एंड हर्ट नेवर। थैंक यू सो मच गाइज आज का ये वीडियो देखने के लिए। होप आज का वीडियो आपको ज़रूर इंस्पायर किया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए और हमें हमारे साथ जुड़ के ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करें। और स्पेशल थैंक्स टू एवरीवन दोज हु केम फॉरवर्ड टू हेल्प द हेल्पलेस क्रिएचर्स। थैंक यू सो मच गाइज। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।